everyone, welcome to our channel Sunshine Fortunes Education. I am Gunjan Malhotra. I am an overseas education consultant and a career counselor. सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि ओवरसीज एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आए तो सबसे पहले उसके बारे में पता चले। आज का जो वीडियो है वो यूके से रिलेटेड है। यूके ने 2024 के स्टार्टिंग में कुछ अपने वीजा रूल्स में चेंजेस किया है, तो मैं उन चेंजेस के बारे में आज आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो भी लोग यूके जाते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे कोई एज ए विजिटर जा रहा है टूरिस्ट वीजा पे, तो उनको वहाँ पर परमिशन है वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज करने की क्लाइंट्स के साथ, जैसे कि किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो उस तरह की एक्टिविटीज वो कर सकते हैं एंड किसी तरह का रिमोट वर्क भी वो वहाँ पर कर सकते हैं। ये जो चेंज है ये 31st of January 2024 से इम्प्लीमेंट होगा। इसके साथ साथ जो हेल्थ केयर सरचार्ज है, इंश्योरेंस का जो IHS का अमाउंट होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है एंड 6th February ऑनवर्ड्स जो है ये चेंजेस आ चुके हैं। लेट्स से कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा रूट पे जा रहे हो तो पास्ट में आपको 470 pounds लगते थे, अब उसके बदले आपको 766 pounds पर ईयर आपके वीज़ा फीस में एड होके लगेंगे डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स। एंड ग्रेजुएट रूट वीज़ा जो कि पोस्ट स्टडी वर्क जिसको हम लोग बोलते हैं वीज़ा, उसके लिए जो चार्जेस लगते थे वो 624 pounds लगते थे, बट अब वो भी इंक्रीज हो गए हैं एंड वो जो फीस है वो 1035 यानी 1035 pounds पर ईयर इम्प्लीमेंट हो गई है। बट एक गुड न्यूज़ ये है कि कोई भी अगर हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा पे जा रहा है एंड इस तरह के कोई रोल में वहाँ पे जॉब करने वाला है तो ऑटोमेटिकली इनका IHS जो है वो वेव ऑफ हो जाएगा। और सैलरी से रिलेटेड भी कुछ यूके गवर्नमेंट ने रूल्स लगाए हैं। यूके गवर्नमेंट ने बोला है कि वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है उसमें मिनिमम वेज जो है वो 26,200 जो अभी चल रही है वहाँ से इंक्रीज करके 38,700 pounds पर ईयर कर देंगे। ये जो पॉइंट है ये अप्रैल 2024 में इम्प्लीमेंट होगा। और यूके के केस में शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट जो थी पुराने टाइम पे जो चलती थी, जिसके बेसिस पे वहाँ पे ILR और सिटीजनशिप में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको हेल्प मिलती थी, वो स्क्रैप कर दिया जाएगा एंड न्यू इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट जो है मार्च 2024 ऑनवर्ड्स इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। साथ के साथ एक डिपेंडेंट को लेके भी न्यूज़ आई है, जो लोग भी जैसे हेल्थ केयर वर्कर हैं या केयर वर्कर्स हैं वो अपने जो हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा या केयर वर्कर वीज़ा जो होता है उसमें डिपेंडेंट्स को साथ में यूके नहीं लेके जा सकते हैं। ये रूल भी मार्च 2024 से इम्प्लीमेंट होगा। अगर आप भी यूके का वीज़ा लगवाना चाहते हैं, यूके में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं और किसी भी तरह का आपको सपोर्ट चाहिए, आप हम लोगों की टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप भी ओवरसीज़ जाके पढ़ाई करना चाहते हैं या आपको किसी तरह की क्वेरी है या डाउट है या स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हम लोगों को नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट करने के लिए नीचे जो व्हाट्सएप नंबर का लिंक दिया है उस पर क्लिक कीजिए, आपकी जो मैसेज है वो मेरे पास आ जाएगा एंड विल गेट बैक टू यू अकॉर्डिंगली। मे गॉड ब्लेस यू एंड आई विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग।